हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन की आपको लेके एनर्जी क्या है, वो किस तरह की एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं आपको लेके। चलिए जान लेते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है आपके लेके, आपके इस रिश्ते को लेके। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द एप्रिसिएशन, क्यूनोकोपिया। ओके, सो वी हैव एप्रिसिएशन क्यूनोकोपिया इन द थर्ड चक्र। टैरो से देखते हैं यहाँ पे आपको लेके क्या एनर्जी है, उनके मन में क्या फीलिंग है आपको लेके, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाइए फॉर अ टाइम, देखते हैं उनके मन में क्या है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो वी हैव सिक्स ऑफ कॉइन, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कॉइन, वी हैव द मून, टेन ऑफ कॉइन। ओके, ऐसा नज़र आता व्यूअर्स कि आप लोगों के आंसुओं का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की एक ज़िंदगी जिसमें बहुत सारे आंसू शायद शामिल हैं, जिसमें कहते हैं ना खुशियां कम हैं आंसू बहुत हैं, या फिर दर्द लिमिट क्रॉस कर गया है। तो उस दर्द को जैसे कि यही कहूंगी जैसे सुना गया है। एक सेकंड में आपकी एनर्जी भी निकालती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे ये कार्ड आप रिमेंबर रखना, थर्ड चक्र एंड हैप्पी फैमिली। मैं आपकी एनर्जी भी देखती हूँ यहाँ पे क्या है। वैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये हीलर आया था और ये न्याय एनर्जी आई थी, लेकिन अभी हम देख लेते हैं इसको एक बार। आपकी एनर्जी क्या है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। ओके, सो यही कार्ड आ गया आपकी एनर्जी के लिए, हीलर ऑफ द एजेस, केयरिंग कनेक्शन। हाँ वही देखो, मैंने इसीलिए कार्ड निकाले क्योंकि मुझे ये जो एनर्जी मिली ना, एक सेकंड में इसको कार्ड को अरेंज करती हूँ। सो आई थिंक आपको सारे कार्ड अब नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। देखो, आपकी लाइफ में हीलर की एनर्जी आई है, तो आप कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मे बी आपको पता हो या ना हो, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ को एक बेहतर भविष्य की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, मे बी आपको इन चीज़ों पे भरोसा अभी ना हो, लेकिन मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि आप जो इस पर्सन से उम्मीद कर रहे हो कि भाई ये जो पर्सन है वो मेरी केयर करे, मेरे रिश्ते को समझे, मुझे प्यार करे, जो मुझे चाहिए इस रिश्ते में, वैल्यू चाहिए या एक नाम चाहिए, एक साथ चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, एक ताकत चाहिए, एक प्लेस चाहिए इनके लाइफ में, कि एटलीस्ट ये समझें कि आप इनके लिए क्या हो, आपने इनके लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया है और आप इनके लिए अभी भी कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे हो। मैंने आपसे शुरू में एक बात अभी कही थी कि आपकी ज़िंदगी में आंसू बहुत हैं और कहीं ना कहीं आपके आंसुओं की पुकार यूनिवर्स ने सुनी है, और इसीलिए मैं आपके लिए देख रही हूँ कि ये जो एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आई है वो भी यही दिखाती कि ये जो पर्सन है ये आज आपके एफर्ट्स, यस इसको एफर्ट्स ही बोलूँगी, कि इंसान सिर्फ अकेला एक इंसान यहाँ पे एक रिश्ते को कब तक खींच सकता है, एक ज़िम्मेदारी को कब तक उठा सकता है, कब तक वो अपने आप को टूटने से बचा सकता है, नहीं बचा सकता। क्योंकि परिवार कहो या रिश्ता कहो या फैमिली कहो, जिस भी नाम से आप उसे जानो, ये कभी भी अकेला इंसान तो नहीं लेके जा सकता आगे, साथ तो चाहिए, सपोर्ट तो चाहिए, अपनापन तो चाहिए, एक कोई हाथ बटाने वाला तो चाहिए। ठीक है, तो ये मैं देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पे कि आप नो डाउट आपने बहुत बर्दाश्त किया है। पहली एनर्जी मुझे ऐसी फील हुई जिसमें मैंने
आपको सबसे पहले देख लिया, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि आप के लिए, आपके पर्सन में भी ये ज़रूर कहूँगी कि यस डेफिनेटली वो आपको इस एनर्जी में देख के, या फिर आपकी ये जो इनके लिए प्यार रहा है, जो आपने इनके लिए हमेशा से रखा है अपने दिल में संभाल के, चाहे इन्होंने आपके साथ में कैसा ही क्यों ना किया हो, पर आपने इनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी। जब भी ये पर्सन आपके साथ में जुड़े, आपने उतने से एफर्ट्स को भी सम्मानित किया है इनके। आपको लगा कि ठीक है, ये पर्सन अगर मिलने भी आया है या बात करने भी आई है, इट्स अप्रिशिएटेड। आपने उन चीज़ को हर बार इस पर्सन को ना बहुत अच्छा फील करवाया है, और जबकि ये डिज़र्व नहीं करते थे। अगर देखा तो देखा जाए तो किसी की ज़िंदगी यहाँ पे बहुत बहुत डाउन हो गई है। मतलब आपको अगर ये पर्सन ना मिला होता ना, ये ना मिली होती, तो आज आप कोई बेहतर इंसान से जुड़े हुए होते और आपके लाइफ में ये दुख आपको नहीं मिला होता, आपको ये तकलीफ़ नहीं मिली होती, आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी रहे होते। हाँ देखो, आसान तो किसी की ज़िंदगी कभी होती ही नहीं है, लाइफ ही ऐसी है, लेकिन ये उतार चढ़ाव नहीं होते। एटलीस्ट कोई और टेंशन होती, मे बी कारोबार की होती, या फिर अपने लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे एक अच्छी लाइफ को जीना है, बच्चों के लिए क्या करना है, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए क्या करना, अपने परिवार के लिए क्या करना है, एक अच्छा घर बनाना है, ये टेंशनें होती, और ये अच्छी भी लगती है अगर देखा जाए तो। कहीं ना कहीं ये सही लगता है कि हाँ ठीक है, हम इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया डेवलप करता रहता है। लेकिन अगर इंसान को बेसिक रिक्वायरमेंट ही अगर ना मिले, सपोर्ट ना मिले, उसके आसपास उसके अपने लोग ना हो, तो ये बहुत हर्ट करता है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपकी लाइफ में आपको ये जो अबंडेंस है ये मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये जनरल रीडिंग है, हाँ मानती हूँ जनरल रीडिंग है, ठीक बात है, ठीक है, मे बी कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों से भी रीडिंग रेजोनेट होगी ना, मैं आपको बता दूँ, आज का दिन या फिर कहें कि ये जो टाइम फ्रेम आपके लिए चल रहा है, ये मैं बार बार आपको एक बात बोल रही हूँ कि मेरे अंदर से ये फीलिंग आ रही है, डिवाइन टाइमिंग है। आप शायद इस बात को यकीन ना करो या फिर आप खुद फील ना करो, लेकिन ये जो समय चल रहा है ना, इस समय आप मैनिफेस्टेशन करो, बहुत अच्छे से करो। आप जो मांगना चाहते हो डिवाइन से मांगो, लेकिन ऐसा मांगो, क्योंकि जो मांगोगे ना इस समय वो पूरा हो रहा है। और आपने जिन लोगों ने भी इस पर्सन का साथ और अपना परिवार मांगा है, ठीक है, परिवार को टूटने से बचाने के लिए दुआएं मांगी हैं, आपने मांगा है कि ये पर्सन आपके प्यार को समझे, आपको फील करवाए कि सो दैट यू आर स्पेशल, जो प्यार इसने आपको पहले दिया था, इस पर्सन ने, चाहे फीमेल हो या मेल हो, वो उसको अप्रिशिएट करे, उसको वैल्यू करे, और आप इस दर्द से निकलो। तो यस, वो चीज़ मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर आपके पर्सन को देख रही हूँ एक तरह से आपकी लाइफ को संभालते हुए, सपोर्ट करते हुए, ठीक है। अब आपको सब चीज़ें, मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जहाँ पर आप लोग सिंगल मदर या सिंगल फादर हो, अभी फ़िलहाल कुछ लोग ऐसे भी हैं, और ऐसे में आप अपनी सारी ज़िम्मेदारी निभा रहे हो, जैसे भी निभा रहे हो, आसान नहीं है, बहुत टफ है। मतलब अकेले में रोते हो, अकेले में गुस्सा भी करते हो, खुद पे भी किलसते हो, होता है, ये सब चीज़ें होती है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि आपका हीलिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है व्यूवर्स, और आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से पूर्णमासी का टाइम जो होता है ना, पूर्णिमा का टाइम, अब देखा जाए पूर्णिमा आने वाली है, ठीक है, क्योंकि जब पहला नवरात्रा स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे था, फुल मून के बाद, वो अमावस्या के बाद का फर्स्ट डे था जिसमें चांद उदय हुआ था। अब पूर्णमासी आने वाली, जब पूर्ण होने वाला है, तो कुछ मे बी ये पूर्णमासी के आसपास का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये भी कहूँगी कि आपकी ये लाइफ में भी ये जो चुनौतियाँ हैं बहुत हद तक रिमूव भी होने वाली हैं, ठीक है। तो टाइमिंग बहुत स्ट्रांग है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, विशफुल रहो, होपफुल रहो, क्योंकि ये जो पर्सन है ये भी मुझे आपके लिए काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कार्ड याद रखना, थर्ड चक्रा और वहाँ पे हैप्पी फैमिली था, और यहाँ पे भी आपके लिए, आपकी एनर्जी भी केयरिंग कनेक्शन को जाती है,
तो दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मैच करती है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ में मुझे सपोर्ट में ही नज़र आते हो। और ये भी पर्सन कहीं ना कहीं यही चाहती हैं या चाहते हैं कि वो आपके साथ में, देखो टेन ऑफ कॉइन यानी एक तरह से देखा जाए अबंडेंट फैमिली हो रिश्ते में, जो आपको चाहिए, जो इस रिश्ते की रिक्वायरमेंट है, जिम्मेदारी उठाना, सपोर्ट करना, केयर करना, अंडरस्टैंडिंग बिठाना और बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करना, वो यहाँ पे नज़र आती हैं। ठीक है, तो आज का दिन बहुत स्पेशल हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। होपफुल रहो, मैं यही बोलूँगी आपको, क्योंकि इनकी जो फीलिंग है मुझे आपके लिए काफ़ी अच्छी नज़र आती है, इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, वक्त देने वाली एनर्जी है, इमोशन को समझने वाली एनर्जी है, आपकी डीप फीलिंग को समझने वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, मे बी बहुत समय से ये आपको समझ नहीं रहे थे या फिर आपके भावनाओं की कदर नहीं कर पा रहे थे या फिर आपकी तरफ अपना कोई सिग्नल नहीं दे पा रहे थे, कोई मैसेज नहीं दे पा रहे थे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये जो टाइम है आपके लिए इतना रैपिडली चेंज हो रहा है जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। मैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कार्ड देखूंगी यहाँ पे। मैं थोड़ा स्लो ज़रूर बोल रही हूँ व्यूवर्स, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जब इतनी पावरफुल एनर्जी आए ना तो आप उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो मिलने वाला है ना उसका एहसास आपको जब होगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, ये बोलूँगी। क्योंकि देखो क्यूनोकोपिया है, हीलर है और केयरिंग कनेक्शन दो दो बार आया है, दोनों ही दूसरे की एनर्जी को सपोर्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यह तो होना ही है, तय है, जैसे नियति का चक्र घूमा है, डिस्कवरी है, तो सच्चे प्यार की पहचान हुई है यहाँ पे। और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आपके पर्सन सच्चे प्यार को समझें, आपके प्यार को समझें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो दिल है ना व्यूवर्स, दिल की जो चाहत है उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है, या फिर ये कहे कि यूनिवर्स ने उनको देख लिया है, ठीक है, ताकि आपकी ये जो डिज़ायर है ये पूरी हो। इम्पेशेंट, बहुत लोग यहाँ पे आप रीडिंग सुन के इम्पेशेंट हो रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो करते रहो, ठीक है, इम्पेशेंट बिल्कुल नहीं होना है। ये चीज़ें रैपिडली होंगी लेकिन आपके अपने अपने टाइम पर होंगी, हर एक का टाइम अलग होगा, टाइम में आपको मैंने बता दिया पूर्णमासी तक मुझे नज़र आता है, ठीक है, तो ज़्यादा मत घबराओ, ज़्यादा मत वो करो कि बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं आपको यही बोलूँगी। अबंडेंस है देखो यहाँ पे, ठीक है, तो सो डोंट वरी, आपके दुखों का अंत होने वाला है या हो ही गया है, आज में भी कुछ लोगों की हो सकता बात हो जाए, ठीक है, बात हो जाए या फिर जो भी बात होगी अच्छे की तरफ ही होगी, आप अपनी तरफ से कुछ गलती मत करना बस, राइट, आप अपनी तरफ से कोई गलती मत करना और समझना कि सामने वाला पर्सन आपको किस तरह से अप्रोच कर रहा है या कर रही है, और जैसा वो अप्रोच करे उस हिसाब से आपको नेक्स्ट एक्शन अपना प्लान करना है। तो पहले देखो कि सामने वाला पर्सन क्या एक्शन लेता है, जल्दबाजी में इम्पेशेंट वही कहूँगी, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई भी एक्शन अपनी तरफ से मत लो, थोड़ा वेट करो, कभी कभी पेशेंस रखना बहुत अच्छा होता है, राइट। तो ये व्यूवर्स आपके लिए मैसेज है आज का, आई थिंक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी और उम्मीद करो, दुआ करो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। मैं भी यही चाहती हूँ लोग खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी दुख देख चुके हो, अब और दुख ना देखो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जियो, ठीक है। तो इसी दुआ के साथ मैं ये रीडिंग को मैं यहाँ पे क्लोज़ करती हूँ, और रीडिंग को आप क्लेम ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बाय, थैंक यू वॉचिंग गाइस, टेक केयर।